मुझे पहले से पता था तू फेल होगा। मुझे हमेशा से लगता था कि वो तुम्हें चीट कर रहा है। वे तुम्हें हमेशा से झूठ बोल रहे हैं। हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं? आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि हमेशा से पता था, पहले से मालूम था, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाए। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक इडियम जो है ऑल अलोंग। तो ऑल अलोंग का मतलब होता है हमेशा से या पहले से। जैसे मुझे पहले से पता था कि तू फेल होगा। आई न्यू ऑल अलोंग दैट यू वुड फेल। क्योंकि पास्ट टेंस में है तो पता था के लिए न्यू और विल का पास्ट फॉर्म वुड का यूज करेंगे। मुझे हमेशा से लगता था कि वो तुम्हें चीट कर रहा है। आई थॉट ऑल अलोंग दैट ही वॉज चीटिंग यू। यहाँ पे भले ही हिंदी में हम लोग रहा है का इस्तेमाल कर रहे हैं और लेकिन हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त इसको पास्ट में ही लिखेंगे, क्योंकि जब भी ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं हिंदी टू इंग्लिश तो शब्दों के मुताबिक नहीं बल्कि हम लोग अर्थ के ही अनुसार हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन पास्ट में ही करेंगे, पास्ट टेंस के रूप में ही करेंगे। वे तुम्हें हमेशा से झूठ बोल रहे हैं। दे हैव बीन लाइंग यू ऑल अलोंग। तो आज हमने सीखा कि ऑल अलोंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए ना भूलिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इसी तरीके के और इंग्लिश सीखने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच।